जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पर भरोसा किया तो धोखा खाया। सर फिर से डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने के लिए ना, और आराम का मतलब होता है सिर्फ शारीरिक आराम नहीं, दिमाग का भी आराम। हाँ, क्योंकि सारी टेंशन पैदा होती है दिमाग में। समझे? मुझे डरा रहे हो? नहीं, समझा रहा हूँ। देखिए अब ऐसा कुछ मत सोचिए, कुछ मत कीजिए जिससे आपको परेशान होना पड़े। दामिनी ने जिस तरह मुझे धोखा देकर मार दी, मैं भी उसे वो चोट पहुंचाऊंगा, वो चोट पहुंचाऊंगा कि जिंदगी भर उस चोट को मारने की कोशिश करेगी लेकिन मार नहीं पाएगी, कभी नहीं मार पाएगी। लगता है मिसाल देनी पड़ेगी। सर आपने फिल्म कर्मा देखी थी? हाँ देखी थी। फिल्म कर्मा में भी डॉक्टर डैंग ने पूरी पिक्चर में यूसुफ साहब मतलब दिलीप साहब को बहुत परेशान किया, लेकिन क्लाइमेक्स में क्या हुआ? दिलीप साहब ने डॉक्टर डैंग को मात दे दी। तो तुम क्या कहना चाहते हो, हम में से डॉक्टर डैंग कौन है? बट ऑब्वियस सर, अगर आप दामिनी को परेशान करोगे तो डॉक्टर डैंग भी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस बार भी मात मैं ही खाऊंगा? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आउट। गुस्सा आपकी सर। आउट। वापस कब आओ? बिल्कुल मत आना। आउट। ठीक है, लेकिन सर गुस्सा मत। आउट। आपकी सेहत। आउट। उल्लू का पट्टा, पता नहीं हर बार मुझे विलन क्यों बना देता है। बीबी जी चाय। बोला एक बात, तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। बीबी जी चाय अगर अच्छी हो तो आदमी जो है उसका मूड जो है वो फ्रेश रहता है, चुस्त रहता है, और चाय अगर खराब बनी हो उसका सारा दिन मूड खराब रहता है, ये समझ लीजिए। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि चाय आपको अच्छी पिलाएं। देखो बोला कौन आया? हाँ हाँ मैं देखता हूँ। बीबी जी ये वही हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। अब देखिए ना, ये फूल भी मुरझाकर अपनी बेवफाई का सबूत दे देते हैं। मेरे ख्याल से प्यार करने वालों को फूल नहीं बल्कि कांटों का तोहफा देना चाहिए। पहली मुलाकात है आपसे इसलिए फूल ही लाया कांटे नहीं। अब देखिए ना, ये फूल भी इतना शर्मा रहा है कि इससे पहले कि ये मुरझा जाए आपसे कबूल कर लीजिए। फूल को फूल से नफरत, ताज्जुब, इसे कबूल कीजिए, ये मेरा दिल है। अपना लीजिए इसे, पर आप ही का नाम लिखा है। मैंने सुना था हसीना गुस्से में और भी हसीन हो जाती है। आज देख लीजिए एक वक्त ऐसी घड़ी होता तुम्हारी फोटो खींच में दिया।
ये क्या हो रहा है? देख लो, फोटो निकाल रहा हूँ, डिस्टर्ब करने चले आए। लेकिन ये क्या तरीका है? हम अच्छे खानदान के लोग हैं। तो मैं गिरे हुए खानदान का हूँ। हम अच्छे खानदान के लोग हैं। क्या मैं गिरे हुए खानदान का हूँ? राजेश्वर राणा नाम है। बड़े बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा कमाता हूँ। इधर भी जाता हूँ, लोग सलाम ठोकते हैं। बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सब कुछ है मेरे पास। राजेश्वर भाई कहते हैं लोग मुझे। भाई, भाई का मतलब समझता है? जान जाएगा। एक बार ये मैगजीन की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे उतार दूंगा ना, तब पता चलेगा। और तब पता चलेगा इस घर के लोगों को मेरी वैल्यू। क्या जमाना आ गया, शरीफ लोगों को जीने नहीं दिया जाता। मैं सोचता हूं ये काम ना करूं, पर जैसे लोग ये काम करने मुझे मजबूर करते हैं। थैंक यू तुम्हारा, तुमने इस तोहफे कबूल किया। इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। शादी बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। बस एक बार शादी हो जाए तब। अच्छा हुआ बीबी जी आपने फूल उठा लिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। सही बोल रहा है भोला, धमी वरना वो तो मुझे गोली मार देता। थैंक यू धमी। थैंक यू किस बात का भैया? आपसे बढ़कर कोई प्यारी चीज है क्या मेरी जिंदगी में? और वैसे भी ये सब कुछ भाभी जी की वजह से हो रहा है, उन्होंने ठीक नहीं किया। वैसे भी आज तक क्या ठीक किया है उन्होंने? इस मुसीबत को पीछे लगाकर हम सबको परेशान कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ा है। मेरी नींद, मेरा चैन सब कुछ छीन कर घर पे आराम से बैठी हूँ। ये अच्छी बात नहीं। मैं पागलों की तरह काम धाम छोड़कर दिन रात तुम्हारी तस्वीर देखता रहता हूँ। अब तो बस एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूं। दामी, अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं किसी और की भी शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। इतनी बड़ी मुश्किल हो जो आज तक नहीं किया वो करूंगा, सिर्फ तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे। बेटा, रोने से क्या होगा, समस्या का हल थोड़ी ना मिलेगा। मम्मी, इस घर की सारी मुसीबत मेरे सर पे ही आ जाती है। मुझे क्या पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मैंने तो सोचा था कि कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और दामिनी की किसी बड़े घर में शादी हो जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि एक गुंडा इसका हाथ मांगने आ जाएगा। जो हो गया सो हो गया, अब छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास एक रास्ता है, अब क्यों ना हम पुलिस में कंप्लेंट कर दें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पता है बदनामी किसकी होगी?
दामिनी की। तो क्या बदनामी के डर से हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मुझे लगता है अजीत सही कह रहा है, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि राजेश्वर का यहाँ आना आपको अच्छा लगता है? कि राजेश्वर का यहाँ आना आपको अच्छा लगता है? तो दे दीजिए ना दामिनी का हाथ उसके हाथ में। कृष्णा, तुम होश में तो हो? किससे किस तरह से बात करी जाती है ये तमीज भी भूल गई हो तुम? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि कितने संस्कारी और इज्जतदार खानदान में मेरी शादी हुई। अपने दिल से कह रही हो कि हमारा मजाक उड़ा रही है? मैं क्या, दुनिया मजाक उड़ा रही है पिताजी। सब जानते हैं कि मिल बंद होने और इस घर के हालात भी खराब है, जाने कब इसे बेचना पड़ जाए और हम लोग सड़क पर आ गए। जुबान संभाल के बात किया करो, हमारे घर के हालात अभी भी ठीक हैं। चाहे इस घर में कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया है। हर बार इस घर की खुशी के लिए जीता है, यहां तक कि इस घर की इज्जत और खुशी के लिए मैं इस आशाने को बेचने के लिए तैयार हो गया था। हमारे कहने पर होता तो हम शायद रास्ते पे होते। और तुमने क्या कहा? घर के हालात ठीक नहीं। तुम्हारी हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है इस घर में। माफ करना, लेकिन कुछ दिनों से आप लोग मेरे पति की कमाई पर चल रहे हैं। मेरे पति वहां दिन रात खून पसीना बहाकर पैसे भेज रहे हैं, तब आप लोग यहां पर रोटियां तोड़ रहे हैं, वरना तो भीख मांगने की नौबत आ गई। बहुत हो गया है, अब तुम्हारी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या गलत कह दिया मैंने? सच्ची तो कहा है, आप लोग मेरे पति के टुकड़ों पर। और अगर मैं चाहूं ना तो एक मिनट में आप लोगों को इस घर से बाहर कर सकते। चली जाओ यहां से। अरे, रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर चुकी हो तुम, सास और बहू के रिश्तों की मर्यादा भूल चुकी हो। कृष्णा, अब तो मम्मी बस कीजिए, आप इतनी समझदार होकर। हाँ, बहुत समझदार हैं आप, जो अपनी बहू को जली कटी सुना रहे। और दामिनी, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से है। इस घर में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियां हो रही हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब तक तुम इस घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती, ये घर बर्बाद ही रहेगा, बर्बाद। हेलो अखिल, कृष्णा बोल रही हूँ। बस अखिल, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। नहीं अखिल, मैं ये घर अभी और इसी वक्त छोड़कर जा रही हूं। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। अखिल, ये लोग तुम्हारे पैसों पर कई महीनों से पल रहे हैं, और फिर भी आज कुछ बात हो गई थी, पापा जी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरा मुंह खुल गया, और फिर मम्मी जी ने, उन्होंने तो मुझे जली कट्टी सुना दी, और तो और पापा जी ने भी मुझे जली कट्टी सुना दी। अरे कल को वो दामिनी आएगी और वो भी मुझे कुछ सुनाकर चली जाएगी। अखिल, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूं, बहू हूं, बड़ी बहू। अरे आप तो कहते हैं कि आप आ रहे हैं, सिर्फ कहते हैं लेकिन आते नहीं हैं।
कब आएंगे अखिल, कब? जब ये घर वाले मुझे जान से मार डालेंगे तब? नहीं अखिल, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप बस फौरन आ जाइए, वरना मैं अपने आप को जान से मार डालूंगी, मार डालूंगी मैं अपने आप को। ये अच्छा किया भैया आपने, जो किसी से पूछे बिना सारी बात खुद ही तय कर दी। और लड़के वालों को तो कोई आपत्ति है ही नहीं, मैं उन्हें साफ साफ कह चुका हूँ कि दिव्या और अजीत की शादी तय हो चुकी है और मैं सबको बता भी चुका हूँ। लेकिन जब ऐन मौके पर मुझे पता चला कि अजीत एक आवारा और बदचलन लड़का है तो ये रिश्ता मत तोड़, अब हमसे रिश्ता जोड़कर ये अपने आप को भाग्यशाली। बताओ, एक तो ऐन मौके पर वो लोग हमसे शादी करने के लिए राजी हो गए और ऊपर से हमसे रिश्ता जोड़कर वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है ना भैया। मैं तो कहती हूँ कि आप अजीत के घर वालों से रिश्ता तोड़िए और इनसे रिश्ता जोड़िए। अजीत के घर वालों से रिश्ता तोड़ चुका हूँ, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता सिर्फ लोगों की थी कि मैं उनसे क्या करूँ। अब मैं कह दूंगा कि अजीत एक कैरेक्टरलेस लड़का था तो मैंने शादी तोड़ी, और आप लोग जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये कैसी शादी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी जिंदगी में मैं पहली बार सुन रही हूँ, शादी के लिए पत्रिका बांटी जा चुकी है और लड़का बदला जा रहा है। मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया माता जी। बेटा सही कह रहा है तू, मुझे तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं कौन होती हूँ, तू तो पिता है, अपनी बेटी की खुशी के बारे में तू ही तो सोचेगा ना। माँ अभी क्या कह रही है, इसी बात को तो मैं दोहरा रही हूँ, यही कहा था ना तुमने। तुझे पता है दिव्या को मैंने माँ बनकर पाला है, मेरी पोती नहीं मेरी बच्ची है वो। तूने मुझसे कहा कौन होती हूँ मैं। माता जी अब उन बातों को छोड़िए, मैंने गुस्से में कह दिया था। माफ कर दीजिए भैया को और आशीर्वाद दीजिए कि दिव्या की शादी अच्छी तरह से हो जाए। मेरा आशीर्वाद तो दिव्या के साथ हमेशा से था, हमेशा रहेगा, लेकिन तेरा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। कैसा फैसला, मुझे भी तो पता चला कि इस घर में हो क्या रहा है। लो आप अभी अभी मैके से आ रही हो, अभी पूरी तरह घर में प्रवेश भी नहीं किया और ऊपर से इसकी शिकायतें शुरू हो गई। ये दिव्या की माँ है, दिव्या की जिंदगी के बारे में जानने का इसे पूरा अधिकार है। उसकी शादी के बारे में क्या फैसला किया जा रहा है वो उसे भी तो पता होना चाहिए। क्या फैसला किया दिव्या की शादी का? देवराज ने दिव्या के लिए दूसरा लड़का देख लिया है, उसके घर वाले भी मान गए हैं और लड़का भी राजी है। ये गलत है, अजीत के घर वाले क्या कहेंगे? बेटी मेरी है, मुझे उनसे कहने और उनकी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि अजीत कैरेक्टर का बहुत ही गिरा हुआ लड़का था और मैंने ये रिश्ता तोड़ा। That's it. पर दिव्या अजीत से प्यार करती है, वो किसी चोर उचक्के से प्यार करेगी तो शादी करवा दोगे उसकी? मेरी बेटी गलत फैसला नहीं कर सकती, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई तो मैं इस शादी में नहीं रहूंगी। तुम्हारे बगैर भी ये शादी हो सकती है। देवराज कैसा बाप है तू, अपनी बेटी की खुशियों की जरा भी फिक्र नहीं है तुम्हें? अगर मैं अपनी बेटी की खुशी का ख्याल रखने लगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अब मैं तुम लोगों की बातें सुनकर भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैंने जो लड़का पसंद किया है शादी भी उसी लड़के से होगी। That's it. जाकर कह दीजिए अपनी बहू से ये उल्टे सीधे सपने देखना छोड़ दो। अपनी खुशियां तो बर्बाद कर चुकी हो, कम से कम दूसरों की खुशियों के साथ तो खिलवाड़ मत करो।